हम लोगों ने संसद में आवाज उठाई, मैंने माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमाने, अगर किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो तुम्हारा एक माइक नहीं बचेगा जब तक संजय सिंह सदन में है। नौजवानों, हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, कटोरा लेके भीख मांग लेना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं और बहनों, महंगाई के कारण भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इस कीड़े से बचो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बेरोजगारी के नाम पर इकट्ठा हो, किसानी के नाम पर इकट्ठा हो, रोजगार के नाम पर इकट्ठा हो, महंगाई के नाम पर इकट्ठा हो, देश की संपत्तियां बेचने के नाम पर इकट्ठा हो, हम देश की संपत्तियों को बेचने नहीं देंगे। 10 लाख करोड़ की संपत्ति है उसकी अकेले की, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है उसको, और क्या काम करता है वो अडानी? ड्रग्स बेचता है। अपने पोर्ट से 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई कार्रवाई हुई उसके ऊपर? व्यापारी कहता है हमारे पास व्यापार नहीं है, माताएं बहनें कहती हैं महंगाई से हमारा चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन मीडिया वाले और बीजेपी वाले कहते हैं भले ही हमने देश बर्बाद कर दिया, चुनाव हम जीत रहे हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं, सरकार तो हम चलाएंगे। आपने वोट दिया 302 सीट आपने दी है, पार्लियामेंट के अंदर कानून लेकर आएंगे, प्रस्ताव लेकर आएंगे और बजट में प्रस्ताव करेंगे। मालूम है क्या? 6.5 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव। आपसे कहते हैं भारत माता की जय, आपसे कहते हैं वंदे मातरम, आपसे कहते हैं देशभक्ति करो, घर पे तिरंगा लगाओ। हम भी तिरंगा लगाते हैं, हम भी भारत माता की जय बोलते हैं, हम भी देशभक्त हैं, हम भी वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन बताओ भारत माता का वो बेटा जो देश की संपत्ति रेल को बेचता है, सेल को बेचता है, कोल को बेचता है, बीपीसीएल बेचता है, एलआईसी बेचता है, बैंक बेचता है, एफसीआई बेचता है, पूरा हिंदुस्तान बेचता है, वो भारत माता का बेटा कपूत है या सपूत, फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। क्योंकि हम पुणे नहीं है, 1 साल तक यहां किसान बैठे रहे, हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। हम लोगों ने संसद में आवाज उठाई, मैंने माइक तोड़ा तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। कहने लगे संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमाने, अगर किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो तुम्हारा एक माइक नहीं बचेगा जब तक संजय सिंह सदन में है। हम लोग वहां सोने नहीं गए, लड़ने गए हैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। अग्निवीर की योजना आई, पूरे देश में नौजवानों का आंदोलन हुआ, नौजवान सड़कों पर उतरा, 4 साल की नौकरी दी, बोले 17 साल में सैनिक बन जाओ, 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाओ। 17 साल में सैनिक, 21 साल में पूर्व सैनिक, नाम दिया अग्निपथ योजना, बोले बेटा चाचा सूली पर अग्निवीर, अग्निवीर, अग्निवीर। हमने पूछा भाई अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे, तो इनका एक मंत्री कहता है धोबी का काम कर लेंगे, कपड़ा साफ कर लेंगे, ड्राइवर बन जाएंगे, नाई का काम भी अच्छा कर लेंगे, बाल काट लेंगे। और एक इनका कैलाश विजय वर्गी कहता है हमारे बीजेपी के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। उसका बेटा विधायक है,
मैंने उसका एक वीडियो देखा है कि सीएम को दौड़ा के मार बैट मार बैट मार बैट। अरे मैंने कहा तेरा बेटा तो बहुत अच्छा बैट चलाता है, उसी को डंडा पकड़ा के सिक्योरिटी गार्ड बना दे भाई, उसी को सिक्योरिटी गार्ड बना दे। तो ये सोच है नौजवानों के बारे में। लेकिन मैं आज आपसे तीखी बात कुछ करना चाहता हूं। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना। 4 साल 11 महीने तो आप इंसान रहते हो, लेकिन जैसे ही 1 महीने चुनाव आता है भाजपा ही एक कीड़े की सप्लाई करते हैं, बहुत तेजी के मात्रा में कीड़े की सप्लाई। वो कीड़ा आपके दिमाग में डाला जाता है, लोक कीड़ा लोक कीड़ा लोक कीड़ा। वो कीड़ा क्या है? हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सारे चैनल पे हिंदू मुसलमान। तो भाजपाइयों का एक फॉर्मूला है नौजवानों होशियार हो जाना। भाजपाई कहते हैं नौजवानों हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, कटोरा लेके भीख मांग लेना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपाई कहते हैं किसानों भले ही तुमको फसल का दाम ना मिले, भले ही तुम्हारी खेत की फसल बर्बाद हो जाए, भले ही तुम आत्महत्या कर लेना, लेकिन वोट लाइन लगाकर बीजेपी को ही देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा ही कहते हैं माताओं और बहनों महंगाई के कारण भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा ही कहते हैं माताओं और बहनों तुम्हारे घर में कोरोना के समय में मृत्यु तो हुई, कुछ लोगों की जान गई, नदी के घाटों पे तुमने अपनी लाशें जलाई, चील कौवे कुत्ते भी उसको नोचते रहे, कोरोना में भले ही लाखों की जान चली जाए लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। अरे बेईमानो, मुसलमानों को ठीक करते करते तुमने पूरे हिंदुस्तान को बेड़ा गर्क कर दिया। इस कीड़े से बचो, इस कीड़े से बचो वरना तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। इस कीड़े से बचो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बेरोजगारी के नाम पर इकट्ठा हो, किसानी के नाम पर इकट्ठा हो, रोजगार के नाम पर इकट्ठा हो, महंगाई के नाम पर इकट्ठा हो, देश की संपत्तियां बेचने के नाम पर इकट्ठा हो, हम देश की संपत्तियों को बेचने नहीं देंगे। और आज आपका पैसा किस काम में इस्तेमाल हो रहा है वो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप नौकरी मांगते हो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हो महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आपका पैसा कहां गया मालूम है आपको? मालूम है आपको? आपका जो बैंकों में पैसा जमा था वो पैसा मोदी जी ने उठा के अपने मित्रों को दे दिया, मित्रों को, और 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए बैंक के खातों से नाम हटा दिया पूंजीपतियों का। 0 लगाते लगाते थक जाओगे, 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। बड़े बड़े पूंजीपतियों का 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। आपके लिए पैसा नहीं है, पूंजीपतियों के लिए पैसा है। उनके एक मित्र हैं जिनके हवाई जहाज से मोदी जी घूमते हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? जोर से बोलिए। कितना कर्जा दिया है मालूम है उसको? कितना दिया है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। एक आदमी को कितना कर्जा दिया है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 0 लगाते लगाते थक जाओगे, 10 लाख करोड़ की संपत्ति है उसकी अकेले की। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है उसको, और क्या काम करता है वो अडानी? ड्रग्स बेचता है। अपने पोर्ट से 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई कार्रवाई हुई उसके ऊपर? आप 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले लो अपने एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कालर पकड़ के हवालात में बंद कर दिए जाओगे, लेकिन मोदी का मित्र अडानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेता है। 1,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गया,
हजारों करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया, हजारों करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया, हजारों करोड़ लूट के नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे ललित मोदी की फोटो इतनी शानदार छपी थी अखबारों में, आपने उसको तो जरूर देखा होगा मोदी जी, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? अरे सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी? ये हालत। इसलिए साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, नवंबर में जब सदन चलेगा, आपके मुद्दे पर जो भी मेरे लिए आदेश होगा, मैं उन सवालों को देश की संसद में उठाऊंगा, आपके साथ सड़क में भी आऊंगा। हम लोग सड़क से निकले हुए लोग हैं, हम सड़क के भी महत्व को समझते हैं, सदन के भी महत्व को समझते हैं। और हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सड़क खामोश हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी, हम इस संसद को कभी बेलगाम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं के संबोधन के बाद आज ये मंच समाप्त होता है, लेकिन हमारा आंदोलन तो रोजगार के मसलों को लेकर है, सबके लिए काम और सबके सम्मान के गारंटी के लिए वो जारी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे आराम से करो। हिंदुस्तान का नौजवान बेरोजगारी से करा रहा है, देश की जनता की कमर महंगाई से टूट गई है, किसान को उसके फसल का दाम ना मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन मोदी जी की सरकार और मोदी जी को जो चिंता है वो अपने मित्रों की है। 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया, अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान की प्रगति के लिए लगता तो किसान को उसके फसल का दाम भी मिल जाता, नौजवान को रोजगार भी मिल जाता और देश को महंगाई के दलदल में नहीं फंसना पड़ता। और इसलिए हम इस लड़ाई में, रोजगार आंदोलन में, अपने नौजवान साथियों के साथ गोपाल राय जी ने जो पहल शुरू की है उसमें साथ हैं। तो ये थे संजय सिंह जो सांसद हैं, अभी उन्होंने भाषण भी दिया था और साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से देश में लगातार बेरोजगारी की दरें बढ़ती जा रही है उससे नौजवान हताश है, निराश है। सरकार को चाहिए कि वो जो रोजगार को, रोजगार के अवसर मुहैया कराए। तो संजय सिंह सांसद को आपने सुना, इससे पहले इन्होंने भाषण भी दिया था, तो लगातार जो है संजय सिंह मुखर होकर बोलते हैं, चाहे वो सदन हो या सड़क हो, इनको आप देखते हैं कि लगातार खुलकर मुखर होकर ये सत्ता से सवाल करते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जंतर मंतर दिल्ली।